हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो यार मैं आप सभी से माफी चाहता हूं क्योंकि मैंने काफी टाइम के बाद इस चैनल पर वीडियो अपलोड की है। इसके पीछे कुछ रीजन रहा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। आगे से मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कुछ ना कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मटेरियल प्रोवाइड करा सकूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडी जिले की ज्योग्राफी के बारे में। आपको बता दूं, तीन किताबों से मिलकर ये कंटेंट तैयार किया गया है। अगर आपको लगे कि कंटेंट अच्छा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी ऑफ मंडी। तो सबसे पहले यहां पर आपको जानना है मंडी को और किन किन नामों से जाना जाता था या जाना जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मंडी को जो है छोटी काशी भी बोला जाता है और वाराणसी ऑफ हिल्स और हिमाचल यानी हिमाचल का बनारस भी इसको बोला जाता है और जाहौर के नाम से भी मंडी को जाना जाता था या जाना जाता है। जो तिब्बतियन है, ठीक है, जो तिब्बत के जो लोग हैं वो मंडी को जाहौर कहते हैं। तो यहां पर आपको ये नाम याद रखने हैं, छोटी काशी जो है वो मंडी को बोला जाता है, हिमाचल या फिर हिल्स का बनारस भी मंडी को बोला जाता है और जाहौर भी जो है मंडी को बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की यानी स्थापना इसकी कब हुई थी। तो मंडी जिले की जो स्थापना हुई थी 15 अप्रैल 1948 को हुई थी, जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी उसी समय जो है मंडी को भी जिला बना दिया गया था। अगर मैं आपको बता दूं, यहां पर जो मंडी है वो सुकेत रियासत का हिस्सा है, ठीक है, या हिस्सा रह चुका था। आगे बात करते हैं इसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की यानी जिला मुख्यालय जो है मंडी का, वो मंडी में है। और अगर इसके एरिया की बात करें यानी क्षेत्रफल, तो 3950 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है, जो कि टोटल जो हमारा एरिया है स्टेट का 55673 स्क्वेयर किलोमीटर, उसका ये 7.10% है। आगे बात करते हैं, यहां पर जो है मंडी जिले में 473 पंचायतें हैं और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें यानी अल्टीट्यूड की बात करें 754 मीटर है समुद्र तल से। और अगर यहां पर हम नदियों की बात करें, मंडी जिले में मुख्य रूप से दो नदियां बहती है, सतलुज और ब्यास। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि सतलुज और ब्यास कहां से ये एंटर करती है मंडी जिले में और कहां से ये छोड़कर किसी और दूसरे जिले में जाती है। इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है मंडी जिले में, उसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं। टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से तो 9,99,770 आंकी गई है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें यानी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 253 जो है वो आंकी गई है, यानी 253 पर्सन जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है यहां पर निवास करते हैं। सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो 1007 जो है यहां पर आंका गया है और लिटरेसी रेट की बात करें तो 81.53%, यानी जो साक्षरता दर है वो 81.53% है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करें 912 है और डेवलपमेंट ब्लॉक की अगर बात करें यानी विकास खंड वो 10 है। आपको बता दूं कि जो मंडी है वो सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है, आपको याद रखना है। विधानसभा की सीटें भी यहां पर 10 है, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ये जो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे जानते हैं कि मंडी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन वाइज, तो हमारा जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश वहां पर यह जनसंख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर आता है और पहले स्थान पर आता है कांगड़ा, ये आपने याद रखना है। अगर बात करें हम सेक्स रेशियो की तो सेक्स रेशियो के हिसाब से जो ये तीसरा स्थान रखता है स्टेट में। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर लैंग्वेजेस की, कौन कौन सी भाषाएं यहां पर बोली जाती हैं। तो मंडियाली यहां पर बोली जाती है, तो मंडी से आप याद रख सकते हैं कि मंडियाली यहां पर बोली जाती है मंडी में। और सुकेती जो है आपकी वो सुंदरनगर में बोली जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, पहाड़ी भी बोली जाती है और बालड़ी, बालड़ी जो है आपकी वो बलह वैली में बोली जाती है और सरका घाटी जो है वो सरका घाट एरिया में बोली जाती है। तो यहां पर लैंग्वेजेस आपको याद रखनी है, मंडियाली है, सुकेती है, हिंदी, अंग्रेजी, पहाड़ी, बालड़ी और सरका घाटी। तो जो बालड़ी है वो बलह वैली में बोली जाती है, तो यहां से आप याद रखना है।
कि जो ब्लहा वैली है वो भी मंडी में पड़ती है। आगे बात आती है लोकेशन की, यानी जो मंडी जिला है वो आपके मैप में या हिमाचल प्रदेश में वो कहाँ स्थित है। मंडी जिले की अगर बात करें हम तो 31 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड से 32 डिग्री 4 मिनट 30 सेकंड ये नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है, यानी उत्तरी अक्षांश जो है इसका वो 31 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड से 32 डिग्री 4 मिनट 30 सेकंड के बीच में है। और अगर बात करें हम इसकी ईस्ट लॉन्गिट्यूड की, यानी पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करें तो 76 डिग्री 37 मिनट 20 सेकंड से 77 डिग्री 23 मिनट 15 सेकंड के बीच में ये स्थित है। अगर आपको यहां पर ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता ना लगे तो आप इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में जो वंडरलैंड की सीरीज है उसका पहला जो लेक्चर है वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मंडी जिला जो है एंटायरली हिली है, ठीक है, पर्वतीय है, लेकिन जो आपकी बलहा एरिया है जो कि आपका सुंदरनगर तहसील में पड़ता है और चौंथरा जो एरिया है या घाटी है जो कि आपकी जोगिंदर नगर में पड़ती है, ठीक है, ये जो है आपकी ये दोनों फर्टाइल वैली है यानी उपजाऊ घाटियां हैं। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि मंडी जिले की उपजाऊ घाटियां कौन कौन सी है, तो वो बलहा घाटी है और चौंतरा घाटी है, तो ये आपने याद रखना है। तत्तापानी और देहर जो है यहाँ के सबसे ज्यादा गर्म स्थान है, ये भी आपने याद रखना है कि मंडी जिले में सबसे ज्यादा गर्मी या गर्म स्थान जो है वो है तत्तापानी और देहर। आगे बात करते हैं बाउंड्रीज की यानी सीमाओं की, तो जो आपका मंडी जिला है वो और किन किन जिलों के साथ सीमा बनाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि जो मंडी जिला है वो 6 जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाता है और दूसरा जो है कांगड़ा है वो भी 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो आपने याद रखना है कि कांगड़ा और मंडी जो है हिमाचल प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा 6-6 जिलों के साथ सीमाएं बनाते हैं। तो ये 6 जिले कौन कौन से हैं चलिए जान लेते हैं। कांगड़ा की अगर हम बात करें तो कांगड़ा जो है मंडी जिले को नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उत्तर उत्तर पश्चिम जो एरिया है वो कांगड़ा के साथ लगता है मंडी का, ये आपने याद रखना है। दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पर हमीरपुर और बिलासपुर, ये दो जिले जो है पश्चिम सीमा बनाते हैं मंडी की, यानी मंडी की जो पश्चिमी सीमा है वेस्ट वाला जो एरिया है वो हमीरपुर और बिलासपुर के साथ बाउंड्री बनाता है। आगे बात आती है सोलन की, सोलन का जो अर्की तहसील है वो जो है साउथ में मंडी जिले के साथ सीमा बनाती है। शिमला की अगर बात करें तो शिमला जो है साउथ और साउथ ईस्ट सीमा बनाता है, ठीक है, यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो सीमा है वो शिमला के साथ लगती है। और कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू जो है वो पूर्वी सीमा बनाता है यानी ईस्ट साइड में जो है कुल्लू पड़ता है मंडी जिले के। तो इसको थोड़ा सा मैप के जरिए भी जान लेते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं मंडी के अगर हम बात करें नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की तो कांगड़ा जिला जो है आप यहां पर देख पा रहे हैं सीमा बना रहा है। अगर हम हमीरपुर और बिलासपुर की बात करें तो ये जो है आपके वेस्ट साइड में जो है मंडी से सीमा बनाते हैं। सोलन की अगर बात करें सोलन जो है आपका साउथ में यहां पर दिखाई दे रहा है, और अगर शिमला की बात करें तो साउथ और साउथ ईस्ट में जो है शिमला पड़ रहा है, और अगर ईस्टर्न साइड की हम बात करें तो कुल्लू जिला जो है सीमा बनाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कहा था कि मंडी और कांगड़ा जो है सर्वाधिक 6-6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, तो आप इस मैप में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की कि यहां पर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो 4 पर्वत श्रृंखलाएं जो है मंडी में है, धौलाधार हो गई, दूसरी आपकी घोघर या फिर इसको घाघर धार भी बोला जाता है, तीसरी आपकी सिकंदर धार होगी, चौथी आपकी वैरकोट धार होगी। चलिए एक एक करके जानते हैं इन माउंटेन रेंजेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं धौलाधार रेंजेस की। तो धौलाधार जो रेंज है ये पूर्वी सीमा बनाती है और ये नॉर्थ से साउथ की ओर फैली हुई है। तो आपने याद रखना है कि जो धौलाधार रेंज है ये मंडी में ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है यानी पूरी सीमा बनाती है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ये फैली हुई है। जो धौलाधार रेंज है ये सुकेत का जो एरिया है उसको कवर करती है,
मतलब जो पूरा का पूरा जो सुकेत का एरिया है वो धौलाधार रेंज के अंदर आता है। यहां पर अगर बात करें तो इस धार की, ठीक है, धौलाधार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नागरू। कई बुक्स में आपको नारगू भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये जो है धौलाधार रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही साथ ये जो है मंडी जिले की भी सबसे ऊंची चोटी है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, नागरू जो है वो मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी है और धौलाधार रेंज में स्थित है। इसकी अगर हाइट की बात करें 4400 मीटर है। दूसरी आती है हमारे पास घोघर या फिर घाघर धार। इसकी अगर हम बात करें तो मंडी में ये हर भाग जगह है, जोगिंदर नगर तहसील में, वहां से जो है ये एंटर करती है। कौन सी? घोघर या फिर घाघर धार, हर भाग नामक स्थान पर जो है ये मंडी में एंटर करती है। अगर यहां पर हम बात करें तो नेचुरल साल्ट माइन जो है यहां पर इस धार में स्थित है, गुमा और द्रंग। तो आपको याद होगा कि जो गुमा और द्रंग है वो नमक की खाने हैं, मंडी जिले में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला में है तो आप बताएंगे घोगर या फिर घाघर धार। ये याद रखना है, गुमा और द्रंग की जो नमक की खाने हैं वो घोगर या फिर घाघर धार में स्थित है, मंडी जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं सिकंदर धार की। तो सिकंदर धार की अगर हम बात करें तो सिकंदर लोधी को आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में, कि सिकंदर लोधी था जिसने दिल्ली पर शासन किया। तो इसके नाम से इस धार का नाम रखा गया है, या सिकंदर लोधी के साथ ही इसका संबंध जोड़ा जाता है। माना जाता है जब सिकंदर लोधी कांगड़ा को जीतने चला था तो इसी धार को क्रॉस करके निकला था। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री बनाती है सुकेत और बिलासपुर की, वहां से ये शुरू होती है। सिकंदर धार की बात करें तो इसकी दो शाखाएं हैं, कमला धार और लिंडी धार। ये आपने याद रखना है, सिकंदर धार की जो शाखा है वो है कमला धार और लिंडी धार। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लिंडी धार जो है वो किस जिले में है, तो आप कहेंगे मंडी जिले में है। कमला धार के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वैरकोट धार की। इसकी अगर बात करें तो ये रिवालसर से स्टार्ट होती है और सुकेत तक ये फैली हुई है। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि रिवालसर जो है वो मंडी में पड़ता है, झील है, ये आपको पता होना चाहिए, टाउन है और झील है ये। सुकेत जो है वो भी मंडी में है, तो आपने याद रखना है वैरकोट धार जो है वो रिवालसर से शुरू होती है और ये सुकेत तक फैली हुई है। इसी पर्वत श्रृंखला में यानी वैरकोट धार जो रेंज है इसमें जो है सतलुज और ब्यास नदी बहती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सतलुज नदी जो है वो किस पर्वत श्रृंखला से होकर बहती है, तो आप कहेंगे वैरकोट धार। चलिए नदियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सतलुज नदी की। तो ये मंडी जिले में फिरनू गांव से एंटर करती है जो कि चुवासीगढ़ में पड़ता है। और अगर बात करें इसकी एग्जिट की, यानी ये कहाँ से मंडी जिले को छोड़ के कहीं और चली जाती है, तो वो है देहर। देहर नामक जगह से जो है ये मंडी जिले को छोड़कर बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। आगे बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। तो सतलुज नदी की मंडी जिले में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो खडेल है, भागवती है, बनतेहर है, रोपड़ी है, छनोद है, सिवान, बहना, कट्टू, बागड़ा, बहलू और सियुन। तो ये आपने याद रखना है, ये मंडी जिले में सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। पूछ लिया जाता है कि मंडी जिले में निम्नलिखित में से कौन सी सतलुज की सहायक नदी है, तो ये नाम आपके पास ऑप्शन में हो सकते हैं, तो आपने ये याद रखना है। आगे बात करते हैं व्यास नदी की। तो इसकी बात करें तो ये बजौरा गांव है वहां से मंडी में प्रवेश करती है, मतलब लारजी के नजदीक ये पड़ता है। लारजी में ही सैंज और तीर्थन जो है इस नदी में मिलती है। अगर बात करें इसकी एग्जिट की, यानी ये कहां से छोड़कर जो है मंडी को किसी और जिले में प्रवेश करती है, तो वो है संधोल। संधोल जगह से जो है ये मंडी को छोड़कर हमीरपुर में चली जाती है ब्यास नदी। तो यहां पर आपने याद रखना है इन दोनों नदियों की जो एंट्री है और एग्जिट है वो आपको याद होनी चाहिए, कि सतलुज की अगर बात करें तो फिरनू गांव से ये प्रवेश करती है मंडी में और देहर से छोड़कर जो है ये बिलासपुर में चली जाती है। अगर ब्यास की बात करें तो ये बजौरा
नामक स्थान से मंडी में प्रवेश करती है और संधोल से छोड़कर जो है आगे हमीरपुर जिले में ये प्रवेश करती है। आगे बात करते हैं हम ब्यास नदी की, मंडी में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो उहल जिसको रीना भी बोला जाता है, लूनी, ये जो है आपकी मंडी जिले में ब्यास नदी में उत्तरी साइड से मिलती है, यानी नॉर्थर्न बैंक ट्रिब्यूटरी है। और अगर हम साउथर्न बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें जो आपकी दक्षिण से इस नदी में मिलती है, तो झंझेली है, सुकेती है, बाखर है, सोन है, रमोली है, जीवनी है। तो ये आपने याद रखने, ये नाम पूछ लिए जा सकते हैं। बात करते हैं यहां पर जो उहल का पानी है या रीना नदी का पानी है, उसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया है, ठीक है, शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि जोगिंदर नगर में है। ये हिमाचल प्रदेश का या इंडिया का सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आपने याद रखना है, और पंजाब के अधीन है ये। पंडोह में जो है एक डैम बना हुआ है जहां पर ब्यास नदी का पानी जो है सतलुज में मिलाया गया है। जो पानी है वो दो सुरंगों के द्वारा जो है यहां से लिया गया है और देहर नामक जगह पर जो है एक पावर प्लांट जो है वो तैयार किया गया है, और उसके बाद जो है ये पानी जो है पंडोह में सतलुज नदी में मिला दिया जाता है। पंडोह डैम की बात करते हैं, ये बनकर तैयार हुआ था 1977 में, ये बनकर तैयार हुआ था और ये ब्यास नदी पर बना हुआ है। इसके अगर हाइट की बात करें तो 76 मीटर है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है झीलों की, मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन कौन सी झीलें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि झीलें दो तरह की होती है, एक नेचुरल होती है और दूसरी मैन मेड या आर्टिफिशियल होती है। तो यहां पर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवाल्सर झील की, ये नेचुरल लेक है। इसकी अगर हाइट की बात करें तो 1300 मीटर है। इस झील के बारे में बात करते हैं तो ये मंडी टाउन से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये जो झील है ये तैरते टापू के लिए जानी जाती है। तो ये आपने याद रखना, जो रिवाल्सर झील है इसको तैरते टापू की झील भी बोला जाता है, साथ ही साथ इसको पद्माचन के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि जो पद्म संभव थे बौद्ध ऋषि, वो यहां पर कुछ समय के लिए ठहरे थे। जो ये तैरते टापू है, ऐसा कहा जाता है कि पद्म संभव की आत्मा जो है इसमें है, तभी ये जो आइलैंड है, जो ये टापू है, ये तैरते रहते हैं। तो पद्म संभव के जन्म दिवस पर यहां पर एक मेला लगता है जिसका नाम है छेशु मेला, आगे भी हम बात करेंगे। जो हिंदू और बुद्धिस्ट है वो मानते हैं कि जो रिवाल्सर है ये जो है लोमश ऋषि की तपस्थली है या उनका निवास स्थान है। दसवें गुरु सिख के गुरु गोविंद सिंह वो भी यहां पर कुछ समय के लिए ठहरे थे। रिवाल्सर जो है वो आपका हिंदू, बुद्धिस्ट और सिखिज्म, इन तीनों धर्मों के लोग जो है यहां पर पूजा करते हैं या आते हैं, मतलब इन तीनों धर्मों के लोगों से रिवाल्सर का संबंध जोड़ा जाता है। आगे बात करते हैं पराशर झील की, अगर इसकी हाइट की बात करें 2743 मीटर है। इसका संबंध पराशर ऋषि से माना जाता है जो कि शक्ति मुनि के पुत्र थे। आगे बात करते हैं कामरुनाग झील की, जो कि 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये चचियोट तहसील में स्थित है मंडी के, ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कामरुनाग जो झील है वो कौन सी तहसील में है, वो चचियोट तहसील में है। ये माना जाता है कि जो ये झील है इसका निर्माण पांडव के जो भाई थे भीमसेन, उन्होंने और जो यहाँ के देवता है कामरुनाग, उन्होंने मिलकर जो है इस झील का निर्माण किया है। लोग इस झील में सोना और चांदी जो है वो ऑफर करते हैं, यानी दान करते हैं। आगे बात करते हैं मच्छियाल झील की, तो ये 850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये लो अल्टीट्यूड लेक है, मंडी की कम ऊंचाई पर स्थित झील है।
7 किलोमीटर है ये जोगिंद्रनगर से। इस झील के बारे में बताया जाता है कि इसका जो नामकरण है वो भगवान विष्णु के अवतार मत्स्य अवतार उनसे जोड़ा जाता है, जिनका नाम मच्छेंद्रु देवता है। तो ये आपने याद रखना, मच्छेंद्रु जो देवता है उसके नाम पर जो है ये मच्छियाल झील, जो कि विष्णु के मत्स्य अवतार थे या है, उनसे जोड़ा जाता है इसका संबंध। आगे बात आती है हमारे पास यहाँ पर पंडोह झील की। तो ये जो है आर्टिफिशियल लेक है, यानी मैन मेड लेक है, बाकी हमने जो भी बात की है वो नेचुरल लेक थी। इसकी अगर लेंथ की बात करें 14 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, और ये 15 किलोमीटर है मंडी टाउन से, और मनाली के लिए जो रास्ता जाता है NH 21 उस पर ये स्थित है। इस लेक के बारे में आपको याद रखना है कि जब पंडोह डैम बना, जहां पर कि ब्यास नदी का पानी जो है वो सतलुज में मिलाया जाता है, उसके बनने से जो है इस झील का निर्माण हुआ है पंडोह डैम के बनने से। दूसरी कौन कौन सी झीलें मंडी जिले में हैं, तो कुमारवा झील है, हाइट की अगर हम बात करें 3150 मीटर है, कुंत भियोग झील है, कालासर झील है और सुख सागर झील है। तो ये आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कि मंडी में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो 3 है। सबसे पहले बात करते हैं नागरू की, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें 970 मीटर से 4400 मीटर, एरिया की बात अगर करें तो 278 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1962 में हुई थी। दूसरी आती है शिकारी देवी। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो इसका एरिया है 72 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी भी स्थापना 1962 में हुई थी। तीसरी जो है आपकी बांदली सेंचुरी है, इसका अगर एरिया की बात करें 41 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसकी भी स्थापना 1962 में हुई थी। तो यहाँ पर इसको याद करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि स्थापना वर्ष तो इनके सेम है। सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मंडी में और इनका एरिया क्या क्या है, ये आपने याद रखना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले बात आती है शानन की, जो कि जोगिंद्रनगर में है। ये प्रोजेक्ट 110 मेगावाट का है। ये जो पावर हाउस है ये 1932 में जो है बनकर तैयार हुआ है, और इसकी अगर बात करें तो ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है इंडिया का मेगावाट कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। इसकी अगर बात करें 2 किलोमीटर है ये जोगिंद्रनगर से, और ये रीना नदी पर, जिसको उहल भी बोला जाता है, उस पर ये स्थित है, जो कि ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, हम आगे पढ़ चुके हैं। दूसरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कौन कौन से है, बसी है 60 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, उहल 2 है जिसकी 70 मेगावाट कैपेसिटी है, और उहल 3 जो कि 100 मेगावाट का है। आगे बात आती है फोक सॉन्ग की, तो कौन कौन से यहाँ पर फोक सॉन्ग है मंडी में, तो निर्मंडारी ब्राह्मणीय है, मनीरामा पटवारी है, नामनिया ओ हंसा, जियालाल बिंदी है, छिंज और छंजोटी है, पंचपत्र है और देवकू है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है उसको भी आप देख सकते हैं, हिमाचल के जो फोक सॉन्ग है डांस है उसके बारे में। तो ये आपने याद रखना मंडी में कौन कौन से फोक सॉन्ग है। और आगे बात करते हैं फोक ड्रामा की, कि कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बांठना है, तो ये आपने याद रखना बांठना। आगे बात करते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की, कौन कौन से मेले और त्यौहार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है शिवरात्रि फेयर की। आप सभी को पता होगा जो शिवरात्रि फेयर है ये इंटरनेशनल फेयर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और इसको स्टार्ट किया था राजा अजमल सेन ने। और अगर बात करें इसकी तो मंडी में ये पडल ग्राउंड में लगता है, ठीक है, पडल जो मैदान है वहां पर ही मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है छेशु मेला, पहले भी हमने बात की, जो रिवाल्सर में लगता है। इसको जो है अप्रैल महीने में मनाया जाता है हिंदू सिख और बुद्धिस्टों के द्वारा, ठीक है, बौद्ध के द्वारा, मतलब हिंदू सिख और बौद्ध लोग जो है इस मेले को मनाते हैं। ये स्टेट फेयर है, ठीक है, ये राज्य स्तरीय मेला है। दूसरे कौन कौन से मेले और फेस्टिवल जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं फेयर एंड फेस्टिवल, तो कामरू नाग फेयर है, माहू नाग फेयर है, शीतला देवी फेयर है और नलवारी फेयर है। नलवारी फेयर जो आपका एनिमल फेयर भी इसको बोला जाता है। तो ये फेमस जो फेयर है ये बिलासपुर का है, वैसे मंडी में भी इसको मनाते हैं, तो आपने याद रखना है अगर कभी एग्जाम पूछा जाए तो नलवारी मेला जो है वो बिलासपुर का ही प्रसिद्ध है, इतना आपने ध्यान में रखना है।
आगे बात आती है बुक्स की कि मंडी से रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स है, तो दो ही है। सबसे पहली है हिस्ट्री ऑफ मंडी, हिस्ट्री ऑफ मंडी को लिखा है विक्रम कायस्थ ने, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बुक है वो है आपकी हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, तो इसको लिखा है मनमोहन सिंह ने, ये आपने याद रखना है, ये दो किताबें काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फिशरीज की कि मंडी में जो है मत्स्य पालन यानी मछली पालन जो है वो कहां कहां पर कौन कौन से फार्म खुले हैं। बात करते हैं यहां पर ट्रॉट फिश फार्म की, तो ये बरोट में स्थित है। कार्प फिश फार्म की बात करें तो आलसू में है। महाशीर फिश फार्म की अगर बात करें तो ये मछियाल में, जो कि जोगिंद्रनगर में पड़ता है। तो ये आपने याद रखना है ये फिश फार्म कहां कहां पर है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें मंडी में, तो जर्सी गाय के लिए जो फार्म है वो कमांद और करसोग में है। डेयरी प्लांट की अगर बात करें तो ये चक्कर में है। शीप ब्रीडिंग स्टेशन अगर हम देखें तो भेड़ प्रजनन जो केंद्र है वो नगवाई में है। तो ये थी वीडियो आज की। अगर आपको लगे कि वीडियो में कंटेंट अच्छा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।